नमस्कार दोस्तों, आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये जो बॉबिन आप देख रहे हैं ना, ये बॉबिन है दोस्तों 501 स्ट्रेंजर कंपनी एम्पलीफायर की पावर ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं बॉबिन, इसका वीडियो मैंने पहले डाला हुआ था, जो शॉर्टिंग हो चुका था, और इसकी आज हम रिवाइंड करेंगे। और इसका बॉबिन जो है दोस्तों, जो जला हुआ कॉपर था वो मैंने खोल के निकाल चुका हूँ, ठीक है। इसे निकालने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही सलामत बचा हुआ था, इसलिए जहाँ से हमारा सही है वहीं से हम इसे यहाँ से ज्वाइंट करके हम इसमें से और कॉइल हमें भरना है, ठीक है। तो इसकी जो वायर गेज है 18 नंबर, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ठीक है, जिसमें हम 220 वोल्ट इनपुट देना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी वाइंडिंग डाटा अगर बात करेंगे तो वीडियो के अंत में दोस्तों आपको इसकी जो वाइंडिंग डाटा है ये आपको बता दूंगा। और कोई भी ट्रांसफार्मर का डाटा कैसे निकालनी है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए। और इस एम्पलीफायर की ट्रांसफार्मर को हम रिवाइंड करके पूरी EI कोर ठोकने के बाद में, लगाने के बाद इसकी जो एम्पलीफायर है वहाँ पर हम कनेक्शन करके भी दिखाएंगे। और दोस्तों, एक भाई का कमेंट भी था कि इसकी जो पावर कनेक्शन कैसे की जाती है प्लस और माइनस वोल्टेज के लिए, इसके बारे में डायग्राम सहित मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, हम इसकी जो वाइंडिंग है हम शुरू करते हैं। और वाइंडिंग शुरू करने से पहले इसके ऊपर एक लेयर पेपर लगा देनी है कॉइल की सेफ्टी के लिए। और इसका एक फेस ये जो देख रहे हैं ये इसका इनपुट है, जो कि फर्स्ट लूप है। और इसके बाद इसमें ज्वाइंट करके जो वायर हम यहाँ पे टर्न लपेटेंगे वो इसका अंतिम छोर होगा, ठीक है। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिला करके एक ट्रांसफार्मर बनती है। तो यहाँ पर हम ज्वाइंट के लिए एक बार यहाँ पे निकाल चुका हूँ, और हमारा काउंटर मीटर जो है बिल्कुल ज़ीरो में हमने सेट कर लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो है। और यहाँ से हमें 127 टर्न हमें लपेटनी है। और इसकी जो सेकेंडरी वायर है दोस्तों, ये हमारी लगभग 14 से 15 SWG नंबर की वायर हम यहाँ पे लपेटेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी ट्रांसफार्मर हो, जला हुआ हो, अगर आप उसकी रिवाइंड अगर आप करेंगे तो रिवाइंड करने से पहले अगर दोस्तों आप ट्रांसफार्मर खोलेंगे तो उसका टर्न जो है वो आपको गिन लेना है, ठीक है। अगर नए हैं तो आपको गिन ही लेना है, और अगर किसी कारणवश अगर आप भूल जाते हैं या गिन नहीं पाते हैं तो उसके लिए फिर आपको TPV निकालना होगा, टर्न पर वोल्ट आपको निकालना होगा। ये कैसे निकाला जाता है ये दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। और इस ट्रांसफार्मर में अगर आपने एक ही कॉइल का अगर टर्न गिना हुआ है तो आपको उसी के माध्यम से दोनों का प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की वाइंडिंग आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 127 टर्न खोला हुआ था प्राइमरी की, और सेकेंडरी दोस्तों मैंने 66 टर्न खोला हुआ था, 66, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों 66 टर्न जो है ये हमारी कितने वोल्ट AC आउटपुट करेगी, ये वीडियो के अंत में हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो इसे 127 और सेकेंडरी का जो वायर है वो हम 66 बार ही लपेटेंगे। तो दो वायर हम लपेटना है, एक बार 66 0 और फिर एक बार 66 हमें लपेटना है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट इसे रिवाइंड कर लेते हैं, और ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है दोस्तों वो सारा चीज़ मैं आपको करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए मैं ट्रांसफार्मर रिवाइंड कर लेता हूँ। और दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं DJ से रिलेटेड, एम्पलीफायर से रिलेटेड दोस्तों आप लोगों के बीच हर तरह की जानकारियाँ देता रहता हूँ, ठीक है। तो इसे लपेटने के लिए दोस्तों आप हैंड का जो हैंडल होता है हैंडमेड वाला, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने बनाया हुआ है, मैंने DC मोटर से बनाया हुआ है इसे, ठीक है। और बिल्कुल आसान है, देख सकते हैं यहाँ पे 49 टर्न हमारी यहाँ पे हो चुकी है, और टोटल हमने यहाँ पे 127 टर्न डाला हुआ है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे कट कर दिया हूँ। और ये हमारा प्राइमरी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। अब इसके ऊपर आपको फिर से एक लेयर पेपर डाल देनी है, ताकि जो हम सेकेंडरी वायर यहाँ पे हम लपेटेंगे
प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आपस में शॉर्टिंग ना हो, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको कवर कर देना है। और ये हमने 15 नंबर वायर लिया हुआ है, जो कि दोस्तों इसमें जो है सो 35 वोल्ट ये हमारी आउटपुट करेगी। एसी करंट जो इसका है ये हमारी 35 वोल्ट आउटपुट करेगी। और ये जो है सो 2.5 इंच 7 नंबर बोबिन में ये ट्रांसफार्मर बनाई गई है। और ये जो ट्रांसफार्मर लगाई गई थी दोस्तों स्ट्रेंजर 701 का जो एम्पलीफायर है उसमें लगाई गई है, तो मैं आपको उस एम्पलीफायर के बारे में भी हम दिखाएंगे बताएंगे आपको, ठीक है, क्या क्वालिटी है और कौन सी एम्पलीफायर है। और अधिकतर आपने स्ट्रेंजर की एम्पलीफायर जो आपने खोला होगा तो आपने देखा भी होगा उसमें से कि उसका जो पावर ट्रांसफार्मर है वो दोस्तों 3 इंच की होती है और यहाँ पर 2.5 इंच का लगाया गया है इस एम्पलीफायर में। तो यहाँ पे लगभग 62 टर्न यहाँ पे हो चुका है, देख सकते हैं। और दोस्तों 4 टर्न हमारा यहाँ पे पहले रिवाइंड हुआ था, जो कि उसका हमने काउंटर मीटर जो है वो जीरो हमने नहीं किया था उस समय, ठीक है। तो 62 और 4 66 टर्न में हमने एक बीच में इसका जो कनेक्शन निकाल चुका हूँ। और सेम इसी तरीके से 66 टर्न हमें और एक साथ निकाल लेनी है, ठीक है। और चलिए इसे भी हम फटाफट निकाल लेते हैं, लेकिन हर लेयर में दोस्तों मैं एक पेपर यहाँ पर लगा दे रहा हूँ ताकि हमारी कॉइल जो है बिल्कुल सेफ़ बनी रहे, ठीक है। चलिए फटाफट इसे भी हम रिवाइंड कर लेते हैं। और रिवाइंड करने के बाद में यहाँ से दोस्तों मैं EI का जो कोर होता है इसका सारा ट्रांसफार्मर मैं असेंबल करके आपको फिर हम एम्पलीफायर में ही सेट करने के समय ही दिखाएंगे आपको, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो फिजूल वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ यहाँ पर, और जो जेन्युइन चीज़ है वही चीज़ मैं आपके बीच में शेयर भी किया हूँ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा एम्पलीफायर है और ये हमारा ट्रांसफार्मर है। तो सारा कनेक्शन यहाँ पे हमने कर लिया है दोस्तों। इसका जो कनेक्शन है बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने यहाँ पे टैपिंग निकालेंगे उसी तरीके से आपको यहाँ पे बाहर भी करना है। ये दो वायर हमने लाल कलर का लिया हुआ है, 1.5 mm की है, ये हमारी आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है जो कि 200 वोल्ट हम इनपुट करेंगे। और दोनों ब्लैक वायर हमारी कॉमन है, ठीक है, और रेड जो है वह हमारी आउटपुट सप्लाई है। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर आप देख रहे हैं, यहीं पर हमें ट्रांसफार्मर सेट करनी है, देख सकते हैं बिल्कुल हमने खोला हुआ है। और ये हमारा दो फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, दो रेक्टिफायर यहाँ पे लगा हुआ है। तो कौन सी कनेक्शन कहाँ पे हमें करनी है आपको मैं डायग्राम के माध्यम से भी हम बताएंगे वीडियो के अंत में, ठीक है। और इसका जो कनेक्शन है माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज कैसे हमें मिलती है सारा कुछ बताएंगे। अगर आप नए मैकेनिक हैं या फिर नए डीजे वाले भाई लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी से आप समझ भी पाएंगे। तो चलिए कैमरा को मैं सेट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कैमरा भी सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों ये ओरिजिनल स्ट्रेंजर कंपनी की एम्पलीफायर नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे इसके अंदर जो भी नट बोल्ट है यहाँ पे मैंने जब खोला हुआ था इसमें कुछ स्क्रू वगैरह मैंने रख दिया था, उसे हम निकाल लिया हूँ। और निकालने के बाद ये इसकी ट्रांसफार्मर यहाँ पर आपको सेट कर लेनी है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्शन जो है जिधर हम लाइन इन करेंगे वो हमारी बुक कैबिनेट की तरफ पीछे रहेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर सभी वायर को हम PVC से अलग कर लेते हैं और 1.5 mm आउटपुट में कनेक्शन हमने किया है। और 1 mm की जो वायर है ये हमने 220 वोल्ट जो प्राइमरी सेक्शन है इधर हमने कनेक्शन किया हूँ, ठीक है। तो दोनों ब्लैक वायर को आपको एक कर एक बना लेना है। 1 1 mm की यहाँ पे हमने ब्लैक वायर लगाई है कॉमन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्लैक दोस्तों ये हमारी माइनस वोल्टेज के लिए है और ये एक हमारी प्लस वोल्टेज के लिए है, ठीक है। और ये हमारा कॉमन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन वायर की आप थोड़ी सी यहाँ पे कटिंग देख रहे हैं ये हमारी कॉमन के लिए है जहाँ से हम ब्लैक वायर हम सोल्डिंग कर देंगे। तो सबसे पहला आपको शुरू करना है कॉमन से ही, ठीक है। इसे हम यहाँ पर साफ़ कर लेंगे और कॉमन के जगह पर ट्रांसफार्मर से जो ब्लैक वायर निकली है इसे हमें कनेक्शन कर लेना है। और फिर यहाँ से हमारी कनेक्शन बच जाती है दो रेड कलर की दो लाल कलर की 1.5 mm वाली, इसे आपको रेक्टिफायर डायोड में कनेक्शन करना है। तो हम कनेक्शन करके भी दिखाएंगे, फिलहाल अभी हम कॉमन में कनेक्शन सोल्डरिंग कर दे रहे हैं अच्छा से। तो काफ़ी हैवी सोल्डरिंग यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि जब लोड हो में ये एम्पलीफायर चलेगी। अगर आप हल्का सोल्डरिंग करेंगे तो बिल्कुल ये अलग हो जाएगी, निकल भी सकती है,
फिर सोल्डरिंग आपको थोड़ी अच्छी करनी होगी। तो यहाँ से हम से सोल्डरिंग मैंने कर लिया है कॉमन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर और भर दे रहे हैं और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपको हम डायग्राम के माध्यम से भी बताने की प्रयास करेंगे। और कोई भी ट्रांसफार्मर का जो डेटा होता है दोस्तों कैसे निकालना है, अगर कोई आपको कह दे कि हमें 30 का यानी कि 30 वोल्ट का 10 एम्पियर में हमें ट्रांसफार्मर बनानी है तो कैसे बनाएंगे। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों ग्रीन वायर, ये हमारी स्विच से होकर के आई है, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारी ऑन ऑफ की स्विच है, एक फेस हमारी स्विच से है और एक फेस आपको ये ओवरलोड स्विच में कनेक्शन करनी है, जो कि एसी 220 वोल्ट जो हमें इनपुट देना है, ठीक है। तो 220 वोल्ट इनपुट हमें कनेक्शन कर लेते हैं और फिर ये जो रेक्टिफायर आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, सारा कनेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी किया है, केवल दो कनेक्शन हमने ट्रांसफार्मर का जो खुला हुआ था जहाँ से एसी डायोड में इन होता है रेक्टिफायर में, तो वहीं पे आपको कनेक्शन कर लेनी है। तो जब भी आप ट्रांसफार्मर खोलेंगे वहाँ पे आपको ध्यान रखना ही है, हालांकि सारा कनेक्शन इस एम्पलीफायर में किया हुआ है, केवल हमने दो प्राइमरी का और दो सेकेंडरी का कनेक्शन खोला हुआ था, ठीक है, यानी कि 3 और 2 5 वायर यहाँ पे कनेक्शन कटा हुआ था पहले। तो कॉमन के जगह पे कॉमन हमने सोल्डरिंग कर लिया है और दो वायर आपको रेक्टिफायर में एसी कनेक्शन जहाँ पे होती है प्लस माइनस छोड़ने के बाद, ठीक है, प्लस माइनस आपको छोड़ देना है दो सप्लाई आउटपुट के लिए, केवल एसी का जो पॉइंट है रेक्टिफायर में वहीं पे आपको कनेक्शन करनी है दोस्तों। और जो यहाँ पे दो डायोड लगे हुए हैं ना, ये हमारे पैरलर में लगे हुए हैं, ये सीरीज डायोड नहीं लगी हुई है, पैरलर में लगे हुए हैं। तो एक हमने कनेक्शन यहाँ पे कर लिया है और दूसरा वायर को भी हम यहाँ पे कनेक्शन कर ले रहे हैं। इसका जो कनेक्शन है दोस्तों मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी बताऊंगा, ठीक है। तो एक वायर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और दूसरे वायर को भी ब्रिज रेक्टिफायर के एसी वाली पिन जो होती है उसमें हम सोल्डरिंग कर देंगे। और इधर हमारी कनेक्शन होने के बाद इसका जो प्राइमरी सेक्शन होता है जहाँ से हमें 220 वोल्ट इनपुट देना पड़ता है उसमें कनेक्शन हमें करनी है। ये कनेक्शन हमारा हो चुका है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और ये जो हमारा बचा हुआ है दो वायर, एक हमारा ओवरलोड स्विच में जाएगा और एक हमारा स्विच से हमने ग्रीन वायर जो पहले निकाला हुआ था उसे मैंने कट करके पहले ट्रांसफार्मर को मैं बिल्कुल ही अलग कर दिया हूँ, जो ग्रीन वायर थोड़ा सा बचा भी है तो उसी में स्लीविंग कवर लगाने के बाद सोल्डरिंग कर देंगे। और इसमें ब्लैक टेप का यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों, कवर लगा करके हम बिल्कुल सेफ्टी कर देंगे इसे। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफार्मर का दोस्तों टर्न पर वोल्ट जो होता है इसकी एम्पियर कैसे निकालनी है और कौन से ट्रांसफार्मर में टर्न पर वोल्ट कैसे निकाला जाता है, इसकी जो डाटा होती है कैसे हमें निकालना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के बाद एक बार हम इसमें लाइन इनपुट करके और इसका जो ऑडियो है, एम्पलीफायर हमारा बिल्कुल पहले भी ठीक था दोस्तों, केवल इसका पावर ट्रांसफार्मर का ही प्रॉब्लम थी। तो देखते हैं एम्पलीफायर हमारी चल रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसमें लाइन इन कनेक्शन कर दिया हूँ, स्पीकर वगैरह सारा कनेक्ट मैंने करके रखा हुआ है। तो देख सकते हैं पावर हमारी आ चुकी है एम्पलीफायर में। और पावर आने के बाद चलिए MP3 प्ले करके भी हम देखते हैं। तो यहाँ से हम MP3 अपने मोबाइल से कनेक्ट करके रखा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल क्लियर बज रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और अब जो है तो इसकी जो कनेक्शन है दोस्तों, आपका जो मैंने बोला हुआ था कि ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन हमें कैसे करना है पावर सप्लाई में, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि बिल्कुल आसानी से समझ जाए। और इस तरीके का जो कनेक्शन होती है दोस्तों, ये आपको होम थिएटर जो होता है 20-30 IC वाली, कोई भी होम थिएटर आप लीजिएगा, आपको उसमें से प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज उसमें भी देना पड़ता है। तो सेम कनेक्शन इसमें भी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले हमने ये ट्रांसफार्मर का सिंबल हम यहाँ पे बना लेते हैं और
ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है जो कि एसी 220 वोल्ट हम इनपुट यहाँ से देंगे, ठीक है। ये हमारा इनपुट कॉइल है और ये हमारी 19 नंबर या फिर 18 नंबर SWG से वाइंडिंग यहाँ पे करना है आपको, ठीक है। और ये जो है हमारा 14 या फिर 15 नंबर SWG का यूज़ करना है जो कि 7 नंबर कोर 2.5 इंच से लेकर के आपको 3 इंच तक बना सकते हैं। और ये हमारा 30 0 30 का जो डाटा है मैं आपको कनेक्शन बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको पावर सप्लाई कनेक्शन करने के लिए सबसे पहला मैं यहाँ पे दो रेक्टिफायर का सैंपल बना लेता हूँ डायोड का। तो यहाँ से हम दो डायोड हम बना ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएंगे और पूरी कनेक्शन भी आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने दो बॉक्स बना लिया है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा एम्पलीफायर में मेटल डायोड का यूज़ होता है, तो मेटल डायोड आपको इसी तरीके से बॉक्स के जैसा बिल्कुल आकार होती है इसका, ठीक है। तो यहाँ से आपको 4 पिन मिलेंगे सोल्डिंग कनेक्शन करने के लिए मेटल डायोड में। रेक्टिफायर कोई भी डायोड हो दोस्तों उसमें 4 ही पिन होते हैं, तो 2 होते हैं एसी के, ये हमारा एसी है जो कि बिल्कुल कोने में आपको मिलेगी, ठीक है। और ये भी हमारा एसी है दोनों का। आप चाहे तो एक डायोड में भी प्लस माइनस का करंट निकाल सकते हैं, और ये हमारा माइनस है ये प्लस है, ठीक है। ये हमारा डायोड का सैंपल है जैसे कि आप देख सकते हैं प्लस माइनस और एसी टू एसी, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले एसी टू एसी आपको मतलब पैरलर ही कनेक्शन करनी है, एसी टू एसी आपको कनेक्शन करना है, एक जम्फर लगानी है। और यहाँ से हम कनेक्शन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इससे पहले यहाँ पे आपको फिल्टर कैपेसिटर का भी सैंपल हमें बना लेना है, ठीक है। ये हमारा फिल्टर कैपेसिटर का सैंपल है और 2 आपको कैपेसिटर का प्रयोग होता है जो कि ये हमारा प्लस है, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि प्लस से माइनस आपको यहाँ पे सीरीज कर देनी है, प्लस दोनों कैपेसिटर का, एक कैपेसिटर का प्लस और एक कैपेसिटर का माइनस, दोनों को आपको उसमें सीरीज कर देनी है दोस्तों। और ट्रांसफार्मर का जो बीच वाली पॉइंट होती है ये आपको इसी में जो हमने अभी सीरीज किया इसी में आपको सोल्डरिंग कर देनी है, कनेक्शन कर देनी है, ठीक है। ये हमारा कॉमन बन गई है, देख सकते हैं ये हमारा कॉमन बन गई है, ये जो कि हमारी अपने एम्पलीफायर में सप्लाई देने के लिए एक पॉइंट हमारी ये बन गई है जो कि कॉमन है, ठीक है। ये हमारी बॉडी ग्राउंड में जा कर के अटैच हो जाती है। उसके बाद में अब दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है कि एसी टू एसी और प्लस टू प्लस सभी को आपस में कनेक्शन कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं एसी से हमने ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर दिया है, देख सकते हैं आप एसी टू एसी में, ये देखिए, ठीक है। आपको मैं बिल्कुल साफ साफ दिखाऊंगा, थोड़ी सी यहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा है जिसके वजह से नज़र नहीं आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का दोनों जो वायर था, ट्रांसफार्मर से 3 वायर निकले हुए थे, एक बीच वाली को मैंने ग्राउंड कर दिया है और दोनों को एसी में कनेक्शन किया हूँ, ठीक। तो उसी तरीके से एसी टू एसी दोनों रेक्टिफायर में आपको शॉर्ट कर देनी है इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया है और ये जो है सो हमने एसी में सोल्डिंग किया हुआ है, देख सकते हैं। तो दोनों डायोड का कनेक्शन हमारा एसी वाली हो चुकी है। और अब दोस्तों जब हम कोई भी डायोड में, रेक्टिफायर डायोड में अगर हम एसी करंट देंगे तो उधर से हमें एनोड और कैथोड वाली करंट हमें मिलेगी जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में हमें मिलती है, डायरेक्ट करंट के रूप में हमें मिलती है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से ये जो माइनस है, ये माइनस दोस्तों हमारी फिल्टर कैपेसिटर के माइनस में चली जाएगी, ठीक है। यहीं से देख सकते हैं ये हमने दोनों को पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है और यहीं से हमारी फिल्टर कैपेसिटर में कनेक्शन चली जाएगी माइनस वाली, देख सकते हैं। रेक्टिफायर का जो माइनस होता है दोस्तों फिल्टर कैपेसिटर के माइनस में, और रेक्टिफायर के जो प्लस है दोनों डायोड का प्लस प्लस शॉर्टिंग करते हुए दूसरे कैपेसिटर के प्लस वाली पॉइंट में हमारी कनेक्शन हो जाएगी, देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कनेक्शन हमारी हो गई है। आपको इसी तरीके से कनेक्शन करना है। अब रहा दोस्तों एम्पलीफायर में आपको कैसे करना है, देख हमारी ये कॉमन हो गई है और ये हमारी 30 वोल्ट प्लस वाली सप्लाई हो गई है, ठीक है, डीसी 30 वोल्ट प्लस, और ये हमारी हो गई है 30 वोल्ट माइनस, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अपने मीटर का कॉमन वाली प्रोग में अगर ग्राउंड करेंगे तो इसी तरीके से आपकी वोल्टेज आपके मीटर में शो करेगी,
ठीक है। बस आपको इसी तरीके से कनेक्शन करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं, ठीक है, पूरी डाटा समझने के लिए। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही बताया हूँ या गलत बताया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। और जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।